हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CORAS के बारे में, जो इंडियन रेलवे का नया कमांडो यूनिट है। डिस्कस करेंगे कि ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कोरस काम किस तरीके से करेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, UPSC 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। UPSC परस्पेक्टिव से, बाय द वे, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर GS मेंस पेपर 3 अंडर सब सेक्शन वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। प्रीलिम्स एग्जाम में भी आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक से। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है CORAS, फुल फॉर्म CORAS की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। इसको इंडियन रेलवे के अंडर ऑपरेट किया जाएगा इस पूरे यूनिट को, और ये एक सेपरेट कमांडो यूनिट है ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑलरेडी रेलवे की एक प्रोटेक्शन फोर्स है और एक रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के नाम से भी यूनिट एग्जिस्ट करता है। इन दोनों फोर्सेज में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं, फिटेस्ट लोग हैं, उनका एक यूनिट बनाया गया है CORAS। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल लॉन्च्ड CORAS ऑफ इंडियन रेलवे एंड न्यू एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली। सो इन कमांडोज की एवरेज एज होगी 30 से लेकर 35 साल। बहुत ही हाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे इनके, और इनकी जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट होगी वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, इंसर्जेंसी एरियाज, जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरियाज में होगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमारा रेड कॉरिडोर है वहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट होगी। उस सब के अलावा हो सकता है कि फ्यूचर में जम्मू कश्मीर में जब रेलवेज का विस्तार होगा तब भी इनका एक बहुत ही अहम रोल होगा जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉस्पेरिटी फैलाने में। और आप अगर सोच रहे हैं कि रेलवेज को खुद के कमांडोज की आवश्यकता हो सकती है, वेल बिल्कुल है। एक्चुअली हम लोग एक इतने बड़े देश में रहते हैं कि कई इवेंट्स के बारे में हमको पता लगता नहीं है। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा और काफ़ी बार एक सर्टन इवेंट पर ही हम फोकस करते हैं, मगर जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बार ख़राब केसेस आए हैं जहाँ पर जो माओवेस्ट हैं, जो नक्सल ग्रुप्स हैं, वो रेलवेज़ को टारगेट करते हैं। कुछ केसेस ये भी देखे गए हैं जहाँ पर रेलवेज़ को हाईजैक कर लिया गया हो। तो ऐसे टाइम में काफ़ी आवश्यकता होती है कि आपके पास कमांडोज हो रेलवेज़ में, स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं माओवेस्ट का अटैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन कमांडोज़ की एक ड्रिल है, और जम्मू कश्मीर की जो डिप्लॉयमेंट है उसमें मेरे ख्याल से अभी कुछ महीने लगेंगे। इनकी जो प्राइमरी, सबसे पहली जो इनकी डिप्लॉयमेंट होगी वो होगी नक्सल माओवेस्ट एरिया में। ये आप जो आप देख रहे हैं सारा एरिया यहाँ पे जो है प्राइमरली यहाँ पे आपको माओवेस्ट जो ग्रुप्स हैं काफ़ी हद तक एक्टिव मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और कुछ जो पार्ट है मध्य प्रदेश, ये एरिया काफ़ी हद तक इससे ग्रस्त है। और इन कमांडोज की कोशिश ये होगी कि ऐसे केसेस ना हो। ये एक बहुत ही इनफेमस केस है 2009 का, जब माओवेस्ट ने इंडियन रेलवे की एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी, 500 हॉस्टेज बना लिए थे। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो गई थी और काफ़ी डिफ़िकल्टी से ये सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। तो कोरस की पहली डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ये होगी छत्तीसगढ़ की स्टेट में। बाद में RPF के डायरेक्टर जनरल ने ये भी कहा है कि हम इनकी जो डिप्लॉयमेंट है ये और स्टेट्स में भी कर सकते हैं। नाम ऐसा नहीं है कि CORAS अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। इससे पहले नक्सल की जो प्रॉब्लम है इसको कॉम्बैट करने के लिए हमने कोई फोर्सेस नहीं बनाई। इसका एक बहुत ही प्राइमरी एग्जांपल है ग्रे हाउंड्स। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रे हाउंड्स नक्सल और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ग्रे हाउंड्स क्या होते हैं। ग्रे हाउंड्स इज ए स्पेशल पुलिस फोर्स यूनिट ऑपरेटिंग इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन दो स्टेट्स के लिए स्पेशली ये पुलिस फोर्स बनाई गई थी ग्रे हाउंड। ये स्पेशली ट्रेन्ड लोग हैं और इनको नक्सल से निपटने के लिए, नक्सल से आम सिविलियंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए बनाया गया है। फिर रिसेंटली एक और फोर्स बनाई गई है ब्लैक पैंथर के नाम से। ब्लैक पैंथर काम करेगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वुड गेट अ स्पेशलाइज्ड एंटी नक्सल कॉम्बैट फोर्स कॉल्ड ब्लैक पैंथर ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रे हाउंड यूनिट। जिस तरीके से ग्रे हाउंड माओवेस्ट और नक्सलाइट से डिफेंड करने के लिए बनाई गई है सिविलियंस और बाकी पॉपुलेशन को, और नक्सल्स के खिलाफ जो ऑपरेशंस है उनमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिमिलरली ब्लैक पैंथर छत्तीसगढ़ के लिए है।
उसके अलावा एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसमें इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नक्सल्स के काफी सारे बेसिस को टारगेट किया था और काफी सारा एरिया रिकैप्चर किया था। ये ऑपरेशन शुरू हुआ था नवंबर 2009 में इन द रेड कॉरिडोर्स, आज भी ये ऑपरेशन चल रहा है। सो ये था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एनालिसिस ऑफ CORAS। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।